इस वीडियो में आपको बताऊंगी ब्लाउज की बहुत ही सुंदर बैक नेक डिजाइन कैसे बना। ब्लाउज मैंने कट कर लिया है, देखिए ये ब्लाउज है और ये इसका अस्तर है, तो ड्राफ्ट अस्तर पर कर लेते हैं। ब्लाउज की लंबाई 15 इंच ली है और ये 40 साइज का ब्लाउज है, 12 इंच लिया है। जब तैयार करेंगे तो 10 इंच आएगा, 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन है। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मुड्डे 5.5 इंच, शोल्डर 5.5 इंच और अभी नेक ड्रॉ करेंगे। तो देखिए शोल्डर से 2 इंच ले लें क्योंकि इसमें मैं डोरी नहीं लगा रही हूँ, विदाउट डोरी बना रही हूँ। और उसके बाद जितना आप डीप पहनते हैं उस हिसाब से मार्किंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको 10.5 इंच ले लिया है और यहाँ पे एक बॉक्स बना दें। देखिए ये बॉक्स बना लिया है, अभी डिजाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए यहाँ से जो हमने लंबाई ली है इस तरीके की शेप दे देंगे और थोड़ा सा यहाँ पर ब्रॉड आ जाएगा। और यहाँ से स्केल की सहायता से जो 2 इंच लिया है शोल्डर पर, सेम इसी तरह से यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड आ जाएगा और ऊपर हमारा कम रहेगा और नीचे से हमारी ये शेप आ जाएगी। और सेम ड्राफ्ट पे इसको कट कर लेते हैं। और अभी आपको सिलने का तरीका बताऊंगी और उससे पहले हम इस ड्राफ्ट को रख के कैनवास कट कर लेते हैं। देखिए कैनवास को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और ड्राफ्ट को इस तरीके से तैयार कर लिया है। अंदर का ड्राफ्ट सेम रहेगा, बाहर 1 इंच ले लेंगे। देखिए कैनवास कट कर लिया है और सिलने का तरीका बता रही हूँ। देखिए नीचे सीधा ब्लाउज रख लिया है, इसके ऊपर अस्तर रख दिया है। और देखिए जो हमारा कैनवास है इसका ड्राफ्ट हम यहाँ पे इस तरीके से रख लेंगे और इस शोल्डर से लेके पूरे नेक को हम स्टिच कर देंगे। जो नेक है इसको कट कर देंगे, कमर में भी सिलाई डाल देंगे इसी के साथ में, तो इसकी कमर की फिनिशिंग भी अभी हो जाएगी। और कट करने के बाद इसको पलट देंगे, उसके बाद लेस से इसकी डिजाइन कर। जैसे मैंने बताया था मैंने इसको स्टिच कर लिया है, नेक को कट कर दिया है, नीचे कमर में भी स्टिच डाल दिया है, अभी हम इसको पलट देंगे। तो देखिए इसको मैंने पूरा चारों तरफ से इसकी फिनिशिंग दे दी है। ये पार्ट हमारा तैयार हो चुका है, इसको साइड में रख देते हैं। ये जो हमारी ये शेप है, इस शेप में मैं एक पैच लगाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने ये गुलाबी कलर का कपड़ा लिया है। और देखिए जो इसका नेक का ड्राफ्ट था, इस ड्राफ्ट को रख के हम पीस को कट कर लेंगे और उसके बाद इस पर अटैच कर और फोल्ड कर लिया है। और देखिए जो ड्राफ्ट है इसको हम यहाँ पर इस तरीके से रख लेंगे और सेम ड्राफ्ट पर पहले इसकी मार्किंग कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे, बाद में इसको हम कट कर देंगे जो एक्स्ट्रा रहेगा। और इसकी चौड़ाई जो है हम 1 इंच ले लेते हैं, उसके लिए टेप की सहायता लेनी कि ये यहाँ से हम 1-1 इंच पे और मार्किंग कर लेंगे इसी शेप में। ये ड्राफ्ट हमने सेट कर लिया, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। जैसे मैंने बताया जो एक्स्ट्रा इसको हम कट कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको पहले इसके साथ में स्टिच कर। तो देखिए इसको स्टिच कर दिया, जो एक्स्ट्रा पार्ट था कट कर दिया है। मैंने ये गोल्ड कलर की लेस लिया है, तो देखिए एक लेस हम पूरे नेक में स्टिच कर देंगे और एक लेस लेंगे थोड़ा गैप देके, जो कि हमारी ये लाइन आ रही है इसमें स्टिच। एक लाइन मैंने पूरा स्टिच कर दिया है और दूसरी सिलाई नहीं डाली अभी। तो देखिए लेस जो है हमारी एक हम यहाँ से इस तरीके से इसके नीचे से ले लेंगे और जो नीचे का ड्राफ्ट है, जो हमारी ये शेप है, इस शेप में यहाँ तक स्टिच। ये लाइन मैंने पूरा यहाँ तक स्टिच कर दी है और सेम लेस है, यहाँ पे हम आधा इंच का गैप छोड़ देंगे और जो हमारा ये शेप है सेम शेप में स्टिच कर दे। लेस मैंने डबल लाइन स्टिच कर दी है नीचे और यहाँ पे आ रही है, और शोल्डर पे भी देखेंगे तो ये डबल लाइन आ रही है पूरे में। एक लाइन मैंने कमर में स्टिच कर दी है, एक ये मैंने बटन लगा दिया है। ये रेडीमेड बटन है जो कि आप फैब्रिक ग्लू से चिपका सकते हैं। और आप साइड में देखेंगे ये मैंने हल्की सी पिंक कलर की इसमें पाइपिंग दे दी, स्ट्रेट पट्टी लेके स्टिच कर दिया। तो आप देख रहे हैं काफ़ी सुंदर लुक आ रहा है ब्लाउज का। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन बना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।